हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू न्यू वन ब्लॉग। तो ये पिछले कल का वीडियो है, जब मैं दिन में घर आई थी तो मैं इन लोगों के लिए बर्गर लेके आई थी और मैं इसको बोल रही थी कि अपना टिक्की वाला बर्गर खा, उसमें मिर्ची नहीं डलवाई है। और यहाँ पे मैं इसको पूछ रही हूँ कि इसकी क्लास में क्या क्या काम करवाया है आज, और यहाँ मैं वही पूछ रही थी। और वॉल्यूम जो है इसकी इसलिए ऑफ़ कर दी क्योंकि टीवी लगा हुआ था, तो टीवी का क्या है ना, अब मैं देख रही हूँ कि जितने भी मैं वीडियो डालती हूँ उसमें कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, और चाहे थोड़ी सी ही आवाज़ क्यों नहीं आ रही है टीवी की, तो मैंने इसलिए इसको वॉल्यूम को हटा ही दिया। और ये देखो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है कि मुझे मिर्ची लग रही है। फिर मैंने इसको बोला कि इसमें मिर्ची तो है नहीं है, ये तो मीठी वाली सॉस लगाई हुई है उन्होंने। तो ये देखो मुझे खा के बोलता, मुझे आप खा के बताओ आपको लग रही है कि नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं, इसमें मिर्ची नहीं है, ये एक्चुअली टिक्की वाले ही खाता है, ये दूसरे नहीं खाता, चने चुने वाले ना वो इसको अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने इसको पूछा सोनी को कि तुझे ठीक लगे, ये तो खा लेती है, मिर्ची वाला भी खा लेती है, इसको तीखा तीखा ही पसंद है। तो बस यहाँ पर वही सब हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम लोग बर्गर पार्टी। और यहाँ देखिए मौसम, जब मैं घर जा रही थी वापस, नहीं ऑफिस जा रही थी, ये उस टाइम का है, ये देखो ज़रा। और बस उसके बाद मैं आ गई घर, और ये शाम को हमने फ्राइज़ तले थे, थोड़े से फ्राइज़ बचे हुए थे, जो दो पैकेट लाए हुए थे उनमें से ये लास्ट बचा हुआ था। तो बस यहाँ मैं इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है मैं इनको बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, और उसके बाद लग पड़ूँगी मैं अपना शाम का खाना बनाने। तो ये कल पिछले कल शाम का वीडियो है, और ये दिए सोनी को, मैं इसको पूछी थी हंसी कहाँ गया, ये देखिए ये आ गया हंसी, और बाहर जाने की जिद कर रहा था कि मुझे बाहर खेलना है, तो मैं मना कर रही थी कि मच्छर होते हैं शाम को बाहर नहीं जाना। तो बस इसकी और मेरी नोक झोंक तो चलती रहती है, आपको पता ही है। और ये टमाटर मंगवाए थे मैंने सोनी से, तो बस ये धोऊंगी मैं इनको, और धो के जो है फिर उसके बाद यूज़ करूँगी, थोड़े से ही मंगवाए थे। और आजकल अपने जो हैं खेत के वो नहीं हैं। और जी यहाँ जो है यहाँ बन रहा है शाम का खाना, और शाम को खाने में बनाए थे मैंने आलू चने, काले वाले चने। तो बस उसका मसाला मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, वही प्याज को अच्छे से भून के, और लहसुन डाला था मैंने इसमें, और डाली थी सूखी लाल मिर्च, और साथ में जो है ये देखिए ये चने हैं मेरे आलू चने, और यहाँ पे जो है मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही डाल दूँगी इसमें पत्ता गोभी, और थोड़ी सी फ्रांस बीन थी मेरे पास पड़ी हुई, और न्यूट्री। आप ऐसे बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है। हाँ तो मेरी वीडियो बनाने से तुझे की दिक्कत हो रही, तू पढ़ना है ना, तू पढ़ने का काम मत कर, बाकी दस दिन शर्म आई झूठ बोल के। कितने बजे आया? क्वार्टर से 6 बजे आया, वो भी जब मैंने बुलाया है तब। चल जल्दी कर, चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी बोल बोल के लिख, और साफ साफ लिखना, जितना गंदा लिखेगा मैं उतनी बार लिखाऊंगी, ये सोच लेना, जितनी बार गंदा लिखेगा उतनी बार लिखवाऊंगी ऐसे, ये याद रख ले, जितनी बार गंदा गंदा लिखेगा ना उतनी बार चुप रहूंगी, जितनी बार गंदा करेगा ना बेटा उतनी बार मैं तेरे से लिखवाऊंगी, ये सोच ले। समझ गया? हाँ समझ गया ना, तो लिख फिर साफ साफ लिखना। तो ये हैं अपने खेत के खीरे, और सुबह लाए थे, और बाहर मैं जा रही थी यहाँ पे इनको, ये एक्चुअली रोटी डाली थी टाइगर के लिए, वो जो आता है ना हमारे घर में डॉगी, लेकिन वो क्या हुआ कि उसने रोटी खाई नहीं, और यहाँ आगे कबूतर बहुत सारे, तो बस ये उसका वाला खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैं लेके जाती हूँ इनके लिए थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बनाए होते हैं, तो बस वो डालती हूँ इसके बाद। चने के साथ खा लेना फिर फुलका, हर बात के लिए नहीं, हर बात के लिए नहीं, फिर बाहर भी उसी वजह से खाता है। क्या ऑर्डर करो? क्या बोला तूने? है
मैं भी वही सोच रही हूँ कि पहले ऑर्डर कर ही दूँ। हाँ कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी बैंक जाने का टाइम नहीं लग रहा है। ओए मेरे पास पैसे उसमें एटीएम में पैसे डलवाने पड़ेंगे तब होगा। हैं बनाएंगे अपने लिए तड़के वाली मैगी और हेंसी के लिए सिंपल मैगी बन रही है। देखो उधर रख दी उधर बनाने को। आज है थोड़ा सा मौसम ऐसा ही गंदा गंदा सा, तो धूप ही नहीं है, बादल ही बादल हैं और धुंध है सारे में ना। तो तीन दिन हो गए हमें सैर पे गए बिना। सोचते तो रोज हैं कि जाएंगे लेकिन धुंध इतनी होती है कि हिम्मत नहीं पड़ती फिर बाहर निकलने की। तो देखते हैं कितने दिन मौसम ऐसा रहता है। और बिल्कुल कम पे रख कम डाल दे इसमें एक कपड़ा दिला दे। मैगी का पानी निकल गया बाहर सारा। चलो हम बना लेते हैं मैगी तो दिखाते हैं आपको। मिर्च ऐसी डाल दे उसमें डाल दे एक मिर्च डाल दे। मिलते हैं आपसे। तो यहाँ लग रहा है जी मैगी को तड़का। तड़के में कुछ नहीं है, बस वही लहसुन प्याज को एक साथ जो है क्रश कर लिया है अच्छे से चॉपर में और साथ में डाले हैं उसके जो मैगी मसाला होता है ना वो डाल के। और ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही भूनना है। और हरी मिर्च भी डाली थी एक काट के इसमें। और ये देखिए डाल दी हमने मैगी अपनी। ऐसे मैगी बहुत टेस्टी बनती है अगर आप ऐसे बनाएंगे ना। और हाँ इसमें जो है जब ये पूरी पक जाए ना, मतलब थोड़ा सा इसमें पानी हल्का सा पानी रहे तो उसमें उस टाइम पे आप इसमें एक चम्मच देसी घी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ वो डाल रही हूँ मैं मैगी, ये सोनी के लिए डाल रही हूँ और थोड़ी सी अपने लिए डालूँगी। टाइम सिक्स क्या होता है? अच्छा जल्दी जल्दी कर जल्दी, ड्रामे कम किया कर। सब बोलते कि ये लोग ऑक्सी को। हाँ सब बोलते हैं। टंटाची बोलते हैं, चाची बोलते हैं, हम तो ऑक्सी बोलते हैं। ले दे इसको। ले जा वो झूठे, तेरे को बोलते हैं और तू झूठे इसको समझ लेता है। जल्दी बोलते हैं वो। काम कर अच्छा। तो नहीं जा रहा तू कहीं नहीं। कहीं नहीं जाएगा तू। नहीं। क्या हो गया? कैसे हुआ रिश्ता खत्म? अभी कैसे? पहले सामने आ। मैं नहीं आ रहा। सामने आ। नहीं आ रहा। उसके बाद बताती मैं तेरे को खत्म हुआ कि नहीं। फिर बताती हूँ हुआ खत्म कि नहीं। क्या बोल रहा तू? और तूने पत्थर कहाँ मारा? पत्थर कहाँ मारा तूने? लाल पे मारा कि शीशे पे मारा? शीशा। खिड़की का शीशा भी तूने तोड़ा वही है? तू आता है नीचे तू मेरे को मार दो मैंने। क्यों मारा पर? ऐसे क्यों मारा? ऐसे का क्या मतलब है? अगर आप ऐसे मेरे को नहीं उठा पाए तो मैं खेल मैंने ना मेरे ना मैंने नहीं उठा मैं नहीं उठा रही उठाओ मैं नहीं उठा रही मेरे को काम करने दे चल हट जा यहां से। और तू कहीं नहीं जा रहा? जा रहा हूं। नहीं तो यहाँ पे जो है ये मैं आज बनाए थे मैंने कोफ्ते। तो घिया को जो है अच्छे से कद्दूकस करके और इसका मैं यहाँ पे पानी निकाल लूँगी। पानी निकालने के बाद जो है मैं उसको एक्स्ट्रा जो पानी मेरा इसका होगा ना मैं उसको अलग करके रख दूँगी।
क्योंकि जब तड़का लगाएंगे तो उस समय जो पानी डालना है तो ये इसका ही पानी यूज़ हो जाएगा, और उसको फेंकना नहीं चाहिए वैसे भी। तो बस यहाँ देखिए, मैं अलग से निकाल के रख लूँगी इसको। ये देखिए, वैसे भी घिया का पानी जो है बहुत अच्छा होता है, यूज़फुल होता है। और यहाँ डाल दिया मैंने बेसन इसमें। तो यहाँ जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है मैश कर लूँगी और इसके जो है बैटर बना लूँगी। इसका जो है पकोड़े तलने हैं मैं, तो बस ये देखिए यहाँ जो है मैंने ये बना लिया अच्छे से। और अब बस इसके करूँगी मैं पकोड़े तलूँगी।